हेलो गाइस, मैं राकेश सर अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक बार स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स गाइस, जो सिक्स से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे जरूर पढ़िए। साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए गाइस। तो आइए हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए गाइस, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स मैंने इधर लिखा है और इधर सिंबल लिखेंगे गाइस, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल्स। ओके गाइस, तो देखिए पहला है ऑर्गन, ऑर्गन को सिंबल दिया जाता है ए आर। ओके गाइस, आर्सेनिक इसको लिखा जाता है ए एस। गाइस जब दो लेटर से लिखा जाता है तो दो लेटर में गाइस फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है और बाकी जो है स्मॉल लेटर होता है, तो याद रखिए हमेशा फर्स्ट जो लेटर है ए, इसी से इसको जाना जाता है। ए आर मीन्स ऑर्गन, ए एस मीन्स आर्सेनिक, ठीक है ना। एस मीन्स यहाँ सल्फर नहीं होगा, ये स्मॉल लेटर है गाइस। ओके, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, तो इन दोनों को एक ही एलिमेंट कहा जाएगा गाइस। ओके, एल्युमिनियम इसे ए एल से डिनोट किया जाता है गाइस, बोरोन इसे बी से डिनोट किया जाता है, बेरियम इसे बी ए से डिनोट किया जाता है, ब्रोमिन इसे बी आर से डिनोट करते हैं गाइस, कार्बन इसे सी से डिनोट किया जाता है, कैल्सियम इसे सी ए से डिनोट किया जाता है, क्लोरीन इसे गाइस सी एल से डिनोट किया जाता है, क्रोमियम इसे सी आर से डिनोट किया जाता है, कोबाल्ट इसे सी ओ से डिनोट करते हैं गाइस, फ्लोरीन को एफ से डिनोट किया जाता है। ओके गाइस, यहाँ देखिये हाइड्रोजन इसे एच से डिनोट करते हैं, हीलियम को एच ई से डिनोट किया जाता है, आयोडीन को आई कैपिटल आई से, लिथियम एल आई, मैग्नीशियम एम जी, मैग्नीज गाइस एम एन, नाइट्रोजन एन से डिनोट किया जाता है, नियोन एन ई से डिनोट किया जाता है, निकल एन आई से डिनोट किया जाता है गाइस, ऑक्सीजन ओ से डिनोट किया जाता है, फॉस्फोरस पी से डिनोट किया जाता है, प्लेटिनम पी टी से डिनोट किया जाता है गाइस, सल्फर एस से डिनोट किया जाता है, यूरेनियम यू से डिनोट किया जाता है गाइस, और जिंक जो है जेड एन से डिनोट किया जाता है गाइस। गाइस आपने देखा कि सभी एलिमेंट्स को सिंबल में लिखा गया है, सिंबल जो है सिंगल लेटर में है या डबल लेटर में है गाइस। जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, जब आप केमिकल इक्वेशन या केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको इसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा गाइस, इसी सिंबल से आपको वर्ड या एलिमेंट जानना होगा गाइस। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।